So if you see the cases of एलिवेटर का थोड़ा केसेस देखते हैं, दो तीन केस. सो बेसिकली हमारा एलिवेटर जो है, सो इसमें वेइंग मशीन रखा हुआ है, एक आदमी खड़ा है इसमें, ठीक है. एंड इट इज गिवन दैट दिस एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन है, ये आपको दिया हुआ है. एंड इसका मास भी दिया हुआ है एम, ठीक है, ऐसा है. सो क्या करना था अभी इसका, तो बेसिकली आपको निकालना है कि रीडिंग क्या होगा. तो ऑल द केसेस यू हैव टू फाइंड आउट कि रीडिंग क्या है, ठीक है. सो ये केस तो अभी हमने जस्ट किया था. इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन, सो देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स. सो इफ यू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, समेशन एफ इक्वल्स टू एम ए, so you'll get n minus mg equals to m into a. So you're getting normal reaction equals to m into g plus a. Therefore the reading will be m into g plus a by g. So ये हमारा reading हो गया, ठीक है. So this is the first case. तो by g कहाँ से चलाया? या reading? Reading का ये formula है ना, n by g. तो ऐसा है, क्या बोला, सुनाई नहीं दिया. अच्छा okay. रीडिंग से एन बाई, अच्छा. सो ये फर्स्ट केस हो गया. नाउ सेकंड केस देखते हैं, ये आप ही को करना है. सो यू हैव बीन गिवन अ मैन हु इज लाइक दिस इन एन एलिवेटर, बट इन दिस केस द एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन है. तो इसमें आपको रीडिंग बताने कितना है, जैसे फर्स्ट केस में क्या आपको इसमें बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है. एंड थर्ड केस एक और है हमारा, इन विच द लाइक पर्सन इज स्टैंडिंग इन द एलिवेटर. क्या है, क्या केस, क्या लिखा है आप क्वेश्चन? ये सेकंड केस है ना, रीडिंग निकालना है आपको इसमें. एक्सेलरेशन नीचे तरफ है, हाँ. And third case में क्या दिया हुआ है कि the elevator is going upwards with constant velocity. ठीक है, इस केस में आपको रीडिंग बताना है कितना है. सो ये दो केस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है. इजी आप लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से.